छोड़ दो क्योंकि हमें देखा इधर कोई दर्द है नहीं, इधर कोई दर्द नहीं, इधर दर्द है यहाँ है और ये नहीं, इधर कोई दर्द है इधर नहीं, ये दर्द है बहुत हल्का सा ना, बहुत तेज है, बहुत तेज नहीं है, ये इधर है। कब से है ये तकलीफ आपको? सर ये स्टार्टअप करके से दो तीन महीने से, दो तीन महीने से ठीक रहते थे। तो कभी भी किसी को अपने नाभि या पेट वगैरह दिखाया था? उनको दिखाया था, क्या बताया उनको? नाभि टली हुई है। कैसे चेक की थी उन्होंने नाभि? कैसे ही चेक की थी? साथियों, नाभि और नली की समस्या जो है, इसकी अगर ठीक तरीके से परिभाषा समझनी है या फिर इसको ठीक तरीके से समझना है, जो इंसान इसको फेस कर रहा है, जो सहन कर रहा है, वही इसको ठीक तरीके से बता सकता है कि आखिर नाभि टलने पर क्या समस्या होती है, नले होने पर क्या समस्या होती है। और ये सारी लोगों में बहुत भ्रांतियां हैं कि नाभि कुछ नहीं होती है, नले कुछ नहीं होते हैं, ऐसे हाथ मिलाने से क्या नाभि को चेक किया जा सकता है क्या, ऐसे रखने से क्या नाभि को चेक किया जा सकता है क्या? अरे भाई, अगर आज से 20 साल 25 साल 30 साल पहले अगर जाएंगे तो हमारे बुजुर्ग लोग जो हैं वो इसी तरीके से नाभि को चेक करके सेट करते थे, नाभि को और इधर ऐसे धागा रख के चेस्ट के ऊपर वो चेक करते थे। और अगर उससे लगता था उनको कि नाभि अगर हिली हुई है तो उसको भी सेट करते थे। अभी जो हमारे पास सज्जन हैं, ये राजन कुमार जी हरदत्तपुर बलिया से हैं और जिनकी उम्र मात्र 24 वर्ष है। जब मैंने उनको पूछा कि आपकी नाभि कैसे चेक की, तो उन्होंने भी यही मेथड बताया, क्योंकि ये जो मेथड है नाभि चेक करने का, ये एक बहुत साइंटिफिक मेथड है कि हम नाभि को इस तरीके से चेक करते हैं। हम नाभि के ऊपर धागा रख के और चेस्ट पे धागा रख के चेक करते हैं। ये सारे तरीके जो हैं वो आज के तरीके नहीं है, ये बहुत प्राचीन काल के तरीके हैं। तो बहुत सारे लोग आज भ्रांति फैला रहे हैं कि हाथ की रेखाएं मिला के कोई नाभि नहीं चेक करते, हाथ की लाइन मिला के कोई नाभि नहीं चेक करते। अरे नाभि जिसकी अपसेट है उसको आप पूछो एक बार ही कि नाभि कैसे चेक करते हैं, वो सारा कुछ आपको खुद बता देंगे। ऐसा है या नहीं? क्योंकि जिसको प्रॉब्लम होती है वही समझा सकता है कि इस प्रॉब्लम की आपको परिभाषा क्या है और कैसे इसको एक्सप्लेन किया जा सकता है। तो बहुत सारे लोग जो भ्रांति फैला रहे हैं, उनसे सबसे मैं यही कहना चाहूँगा कि ऐसी समस्या होती है, बिल्कुल होती है, 100% होती है, और इसको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि आज इस समस्या की वजह से बहुत सारे लोग अपने शरीर को एकदम अच्छा खासा शरीर जो होता था उसको गंवा रहे हैं, वेट लॉस कर रहे हैं, वेट कम हो रहे हैं, भूख नहीं लग रही, माइंड जो है वो शांत नहीं रहता, बहुत सारी तकलीफें हो रही है उसकी वजह से। तो इसके बाद अगर हम कहीं सोचें तो नले और नाभि की समस्या है, इसको आप समझें और इसको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। अभी जिन सज्जन का हम पेट चेक कर रहे थे, उन्होंने भी खुद ही यही बताया है कि नाभि मेरी है, और जब हमने भी चेक की तो नाभि उनकी ऊपर की साइड है, और नाभि जब चेक करते हैं तो पता चल जाता है। अभी उनकी नाभि जो है वो परफेक्टली हम सेट करेंगे और उसके बाद वो बताएंगे कैसा उनका पेट लगता है।